दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज जब मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं तो बिहार के चुनाव में पहला जो चरण मतदान का है वो संपन्न हो रहा है और मतदान के समानांतर आज नेताओं के भाषण भी धुआंधार होते रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में थे, एक तरफ मतदान और दूसरी तरफ उनका भाषण। भारत के जो चैनल हैं जिनको मैं टीवी पुरम कहता हूं, खासकर प्राइवेट न्यूज चैनल, वो लगातार उनका भाषण दिखा रहे थे। बीच बीच में कुछ एक सेकेंड्स या कुछ एक मिनट के लिए कभी कभी राहुल गांधी का भी कोई भाषण दिखाई पड़ता था, वाल्मीकि नगर या दूसरे किसी इलाके की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण पर सारे न्यूज चैनलों का फोकस था। इसके अलावा एक और बात जो समझ में आई है, जो मैंने पटना में देखा, पटना के बारे में जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, लाइव जो टेलीकास्ट कर रहे थे उससे, कि पटना से लेकर और बिहार के जितने प्रमुख शहर हैं वहां पर जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, नुक्कड़ हैं, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगी हैं और उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर चारों तरफ लगी हुई है। आज पटना शहर में और दूसरे और जो बिहार के शहर हैं वहां जो हिंदी अखबारों के और कुछ अंग्रेजी अखबारों के भी एडिशन निकले, उसमें पहले पेज पर जो विज्ञापन था उसमें नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चित्र लगा हुआ था। लेकिन इसके पहले जितने होर्डिंग, जितने पोस्टर, जितने बैनर और कुछ विज्ञापन जो निकले थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनमें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी और किसी की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी में भी किसी की नहीं थी। इसीलिए बीच में खबर भी उड़ गई कि नीतीश कुमार जी अब एनडीए के पोस्टर से भी गायब, लेकिन जिस पोस्टर की बात चल रही है वो बीजेपी ने जारी किया था और आज जिस पोस्टर की बात हम कर रहे हैं, जिस विज्ञापन की, उसे जेडीयू ने जारी किया है, बीजेपी ने नहीं जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। ले देकर बिहार के चुनाव की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता, केंद्रीय नेता, भारत के प्रधानमंत्री को बिहार के चुनाव में झोंक दिया है। क्योंकि बिहार के चुनाव में अगर तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके समानांतर अगर कोई तस्वीर, कोई चित्र किसी नेता की एक शख्सियत उभारनी थी तो वो नीतीश कुमार हो सकते थे, सुशील मोदी हो सकते थे, नित्यानंद राय हो सकते थे, रविशंकर प्रसाद हो सकते थे, गिरिराज सिंह हो सकते थे, लेकिन नहीं, इनमें से किसी की तस्वीरों के होर्डिंग और बैनर और पोस्टर इन दिनों बिहार के शहरों, उनके नुक्कड़ों और उनके चौराहों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिखाई अगर दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत के सबसे बड़े अपने नेता, जो इलेक्टेड नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री पद के जो विपक्षी दावेदार हैं तेजस्वी यादव, उनके बनाम कर दिया है? यानी ये चुनाव बिहार का नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव न होकर सुशील मोदी बनाम तेजस्वी यादव न होकर तेजस्वी यादव बनाम नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी बनाम तेजस्वी यादव, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं कि ये उसकी राजनीति पर, उसके सोच पर बड़ा सवाल उठाती है कि क्या इसकी जरूरत थी या वाकई बिहार के चुनाव में हालात कुछ इस तरह के आ गए कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही केवल उभारना पड़ा और शेष सारे चेहरों को वापस लेना पड़ा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पॉपुलरिटी का मामला नहीं है नरेंद्र मोदी जी की, जैसा कि बहुत सारे चैनल चला रहे हैं। दरअसल ये अन्य जो बिहार में नेता हैं एनडीए के, उनकी गैर लोकप्रियता, उनकी अलोकप्रियता, उनके अनपॉपुलर होने का भी मामला है कि बीजेपी स्वयं उनको पीछे कर रही है। तो ये एक बड़ी कहानी बिहार के चुनाव की बनती जा रही है दोस्तों। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही आज की, मतदान के समानांतर जो घटनाक्रम थे बिहार में,
माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में जो बातें उठाई उसमें मेरे हिसाब से तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि 15 साल पहले का जो राज था उसकी चर्चा की और जंगल राज उसे बताया, लेकिन बीते जो 15 साल हैं जिसमें 13.5 साल एनडीए बीजेपी के साथ जेडीयू रही है, इसकी उपलब्धियां उन्होंने नहीं गिनाई। दूसरी बात कि जंगल राज की बात कही, बल्कि तेजस्वी यादव जैसे बिल्कुल युवा एक नेता को जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कुछ ही साल की है उनको उन्होंने टारगेट किया, उनको एक तरह से निशाने पर लिया, और साथ में ये कहा कि इस दौर में अगर महागठबंधन की सरकार आ गई तो बिहार को बीमारी से कौन बचाएगा। क्या एनडीए की मौजूदा सरकार बिहार को बीमारी से बचा रही है? चलो बेरोजगारी से नहीं बचा पाई, लेकिन क्या वो बीमारी से भी बचा रही है? बड़े बड़े नेता जब बीमार हो रहे हैं बीमार में कोरोना से, तो उनको दिल्ली लाया जा रहा है। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, यहां तक कि बड़े व्यापारी बड़े अफसर तक दिल्ली लाए जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीमारी से बिहार में कौन बचाएगा आपको अगर महागठबंधन की सरकार आ गई। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं केवल हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये कोई भाषण नहीं है, जो ठोस तथ्य है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरे देश में एक डॉक्टर के ऊपर 11,082 लोग आते हैं, यानी 11,082 लोगों को कवर करने के लिए भारत में एक डॉक्टर नियुक्त है। लेकिन अगर बिहार में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह आंकड़ा है जनाब 28,391, यानी 28,391 लोगों पर बिहार में सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है। WHO विश्व स्वास्थ्य जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका कहना है कि एक डॉक्टर पर 1,000 लोग ही होने चाहिए। अब आप बताइए बीमारी से कौन बचा रहा है, बीमारी से बिहार को कौन बचा रहा है जिस तरह की बेहाली है कोरोना दौर में। और तीसरी बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाई आज वो था कि निवेश का प्रश्न, हालांकि उन्होंने मंदिर का भी प्रश्न उठा दिया, उन्होंने दरभंगा की रैली में मंदिर को बड़ी उपलब्धि बताया। बहरहाल मंदिर से अगर रोजगार को सामने रखा जाए तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस चुनाव में न जाने कितने वर्षों बाद कोई ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कोई पॉजिटिव एजेंडा, यानी रोजगार जैसा महत्वपूर्ण एजेंडा इलेक्शन का केंद्रीय मुद्दा बना है, उसको अगर डिरेल करके और मंदिर मस्जिद की तरफ फिर लाया जाए तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है, मंदिर को कोर्ट ने क्लियर कर दिया, बात खत्म, लेकिन मंदिर को एक उपलब्धि के रूप में दरभंगा में ले जाने का क्या औचित्य है, मुझे कम से कम ये बात समझ में नहीं आई। रोजगार पर क्यों नहीं विमर्श, क्यों नहीं नए कारखानों पर विमर्श, क्यों नहीं नए निवेश पर विमर्श, ये सब चीजें आनी चाहिए। लेकिन आज की रैली में भी एक तरह की निराशा झलक रही थी कि निवेश कौन लाएगा अगर सरकार बदल गई तो। भाई निवेश तो भारत में भी लाए जाने की बात चल रही थी, मेक इन इंडिया की बात चल रही थी, लेकिन जो सरकारी आंकड़े, नीति आयोग का आंकड़ा उठा लीजिए या आप दूसरे किसी आंकड़े को उठा लीजिए, आप देखते हैं कि भारत में एक दौर में यह भी कहा जा रहा था कि कोरोना दौर में चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इंडिया में बढ़ जाएगा, लेकिन कितनी निराशाजनक तस्वीर है कि भारत में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है विदेश से, तो बिहार में कहां से आएगा। और बिहार की सरकार इन्वेस्टमेंट के मामले में तो पहले ही चारों खाने चित पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों आर्गुमेंट जो हैं कि जंगल राज से लेकर के और स्वास्थ्य का मामला और बीमारी का मामला और उसमें तीसरा ये निवेश का मामला, इस पर कोई बहुत दमदार आर्गुमेंट उभर कर सामने नहीं आते हैं देश के शीर्ष नेताओं के रैलियों में, उनके भाषणों में। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों आज का जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपके सामने रखा। बिहार के चुनाव की तस्वीर बहुत ही दिलचस्प हो गई है। अब देखना है कि पहले चरण में आज जिस तरह का माहौल दिखा है अगले दो चरणों में ये लड़ाई कैसे जाती है, लेकिन कहना ये मुश्किल है कि वाकई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन अगर रोजगार का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बना रहा तो यकीनन बिहार के नौजवान, उनकी जीत होगी, क्योंकि उनके लिए यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है।
Thank you.